नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज धूप है बहुत तेज़, क्योंकि तापमान इस वक्त लखनऊ में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्म। और जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टोर रूम से मैंने कुछ सामान निकाला है, एक पुराना कूलर, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो एक सब्सक्राइबर ने पूछा, हमारे बहुत ही रिस्पॉन्सिव सब्सक्राइबर हैं कैपली, और उनका कहना है कि भाई कि क्या होता है अगर हम मतलब पन्ने पतंग के कन्ने का क्या हिसाब होता है पतंग पे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पतंग चाहिए। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं आप एक पतंग है। और पतंग यार बता दूँ, घर में मैंने छोटी पतंग रखी, फ़िलहाल मेरी अद्धी और पौने और सारा मटेरियल बाहर है दोस्त के घर में, थोड़ा मना ही घर पे मेरे। तो जो सामान ये है, ये मंझोली पतंग है, आप देख सकते हैं, गेंदार मंझोली है, देख सकते हैं। इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको, क्या क्या है इसका। ये सब इस पर स्टैम्प लगी है, और मंझोली की अगर आप देखें तो मीडियम क्या हल्की कह सकते हैं आप इसे। मंझोली कन्ने में लाल रंग की सद्दी से मान जाए कन्ने का, आप देख सकते हैं। अब उनका मतलब है कन्ने छोटे मानना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतंग, देखिए एक कन्ना तो आपकी तीनों के बीच में बन जाएगा, वो तो ऑब्वियस बात है जो इनको रोकता है। और कोशिश करने से 4 बार करके बांध कि कन्ना टूटे ना तेज हवा में। दूसरी बात, आप कन्ने यहाँ बांधते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं, बहुत तरीके हैं। एक सबसे एक अलग तरीका ये होता है, कन्ना आपका मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर नॉट बांध दिया, इस धागे को तोड़ के यहाँ पर एक छेद करके बांध दिया, आप बोलोगे ये क्या है। ये भी एक तरीका होता है ठस कन्ने बांधना। अब यहाँ पर ये कन्ना इतनी दूरी पर बंधा है, लगभग 1 बीते से कम पे बंधा है छोटी पतंग के हिसाब से। अब ये पतंग पर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें इसमें। पहली बार डिपेंड करती है आपकी पतंग की काप कैसी है, पतंग कितनी टाइट है। अगर टाइट पतंग है तो उसके हिसाब से अलग करना बांधेंगे, मान लीजिए हल्की पतंग है तो उसके हिसाब से आप अलग करना बांधेंगे। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं कि आपका ठड्डा कैसा है, हवा कैसी है, आप कहाँ से लड़ा रहे हैं, नीचे से लड़ा रहे हैं, ऊपर से, आप कितनी दूरी पे लड़ा रहे हैं, कौन सी पतंग का साइज़ लड़ा रहे हैं, कैसे लड़ाना चाहते हैं, रील किस हिसाब की है, आप ट्यून पर लड़ा रहे हैं, कितने कॉर्ड की सद्दी है, आपका मैदान कैसा है छत से, हैं कितनी दूरी पर पेच लड़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पेपर पर लिखेंगे तो 20 चीज़ें पार हो जाएंगी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हवा कैसी है और पतंग कैसी है। तो ये पतंग मंझोली जैसे ये पतंग नॉर्मल देख सकते हैं, तेज़ हवा के लिए बनी है। कन्ना मैंने इतना बांधा है, कन्ना अगर आप छोटा बांध देंगे पतंग आपकी बहुत हल्की हो जाएगी खींच के, लेकिन फिर एक चीज़ है, पतंग की रफ्तार इतनी, मान लीजिए इतना कन्ना बांध दिया आपने, इतना बांधना नहीं चाहिए आमतौर पर मंझोली पर, लेकिन पौने के हिसाब से बता रहा हूँ, मान लीजिए इतना बांध दिया। हाँ तो कहाँ था मैं, यहाँ तक बांध दिया छोटा कन्ना, पतंग की जो रफ्तार है ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तेज़, पतंग हल्की हो जाएगी लेकिन कंट्रोल मुश्किल रहेगा। ऐसे में आप फंसा सकते हैं लेकिन फंसाने में वो पतंग में जोर नहीं रहेगा, लेकिन पतंग रफ्तार बहुत तेज रहेगी, ठीक है। अब उन्होंने सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा था कि भाई छोटे करने बांधने से पतंग तेज़, जी हाँ पतंग तेज़ होती है, लेकिन डिपेंड करता है, ज़्यादा ही छोटे ना बांधे पतंग से उड़ेगी नहीं। ऑप्टिमम जो दूरी है इतना ही बांधे पौने पर भी, छोटे छोटे में इतना कम से कम, मतलब इससे नीचे ना ही जाएं, 1 बीते से कम है, और 1 बीता ऑप्टिमम होता है किसी पतंग के लिए। इस दूरी से इस दूरी तक का करना ये बेस्ट होता है किसी पौने और अद्धी के लिए। वरना लोग तो यहाँ भी बांधते देखें, लेकिन ऑप्टिमम जो होता है यहाँ बनता है। एक बार क्लब में एक बंदा दारू पी के लड़ा था, उसने यहाँ बांध के काटे थे 3-4, वो अलग बात है। यहाँ पर कन्ना बांध दिया, अगर आप भारी पतंग उड़ाना चाहते हैं तो उसके कन्ने का जो यहाँ बंधेगा, तो ये जो चीज़ है ये गांठ यहाँ पर बंधेगी, तो ये। और एक और बात, अगर ना भारी पतंग के भारी पेंच के हिसाब से पीछे बांधते तो आगे का 1 इंच छोटा होता है, आगे वाला हिस्सा, ये जैसे आप देख रहे होंगे आगे थोड़ा छोटा है, वरना जब छोटे करने आते हैं लगभग बराबर होता है, क्योंकि पतंग को बराबर उछाल देता है, ठीक है। और दूसरी बात, दूरी क्या है मत करो यार। तो ये मैंने आपको हिसाब बताया, उन्होंने पूछा था कि लंबे पेंच पे क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लंबे पेंच पे लड़ा रहे हैं तो पतंग आपकी लड़ेगी 1000 मीटर मान के चलिए, मैक्सिमम जा रही है, तो आप उस पर जो पतंग के देखिए 1000 मीटर 1200 मीटर जो पेंच होता है, एक अलग पेंच की दूरी होती है, ठीक है। इसमें रील का हिसाब भी होता है, मान लीजिए आप दूर लड़ा रहे हैं, एक होता है बंद पेंच, बंद पेंच क्या होता है, इसमें खींचना मना होता है, वो पेंच सिर्फ फंस के ही लड़ेगा, उसमें अगर आप खींच के लड़ाते तो आपका पेंच कैंसिल माना होता है, मतलब जो कटते वक्त पेंच के, वो अलग बात है कि आप की डोर पहले मिल गई, लेकिन खींच के लड़ाना बंद मना होता है उसमें। तो
तो उसमें डोनेट डाल के लड़ाया जाता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत झोल के हिसाब लगता है, उसमें कन्ने बहुत ज़बरदस्त होते हैं पतंग के, ठीक है। उसमें पतंग के कन्ने जो है आमतौर पर पौने में इतनी दूरी पर तो बनता है आमतौर पर, क्योंकि ये दूरी सही होती है झोल के हिसाब से, लेकिन आप पीछे बांधते हैं उसमें, उसमें पतंग भारी ली जाती है, कन्ना पीछे बांधा जाता है ताकि झोल कंट्रोल हो। छोटे कन्ने उसमें बांधेंगे झोल इतना छुएगा आप झोल पकड़ जाएंगे, पतंग जोर नहीं लेगी, और अगर पेंच बढ़ के आगे चला गया पतंग नीचे होगी तो उठा नहीं पाओगे, पक्का कटोगे, ये हिसाब होता है। छोटे कन्ने बांधने से पतंग तेज़ चलती है लेकिन झोल लेती है, जोर कम होता है पतंग पे। दरअसल बात ये कि जब छोटा कन्ना बनता है तो आपकी खींच में ताकत आती है, क्योंकि झोल में वो तनाव नहीं होता, तो आप पतंग को तेज़ खींच सकते हैं, खींच लाने के लिए अच्छी होती है। लेकिन पतंग कन्ने अगर पीछे बांधते हैं तो वो फिर फंसाने के हिसाब से अच्छी हो जाती है और ज़ोरदार होती है, झटके चला सकते हैं, पट चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस कन्ने से रिलेटेड, मैं एकदम ये तो नहीं कहूँगा एक्यूरेट है, लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है इसमें, अपना आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कितनी दूरी पे कैसा पेंच आप लड़ाना चाहते हैं और कैसा आपको सही लगता है, ठीक है। और कुछ इसमें मेरे को कमेंट में आ रहा है, और फिलहाल तो कन्ने से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी कन्ना हमेशा घर में ना बांध के देने किराया दूंगा, पतंग की टेपिंग जरूर घर में करें, जोड़ों पे भी साइड्स में भी, लेकिन कन्ना ऊपर वाला ही बांध के रख सकते हैं सर्दी के डोर, पीछे वाला तभी बांधे जब पेंच लड़ाना हो, क्योंकि आपको हवा के हिसाब का मैदान में हवा का हिसाब होगा, पेंच कहाँ से लड़ेगा इसका हिसाब होगा, कितनी दूरी पर लड़ेगा इसके हिसाब से आप कन्ने बांध के सही लड़ा पाओगे, पतंग खींच पाओगे, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए और लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि ज़बरदस्त पतंग हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।